फिल्म बाहुबली की देव सेना यानी कि साउथ एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी करोड़ों दिलों में राज करती हैं। तेलुगु फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत करने वाली अनुष्का आज एक नामी चेहरा है। 7 नवंबर को जन्मी अनुष्का न सिर्फ अपनी फिल्मों के लिए बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ के चलते भी सुर्खियों में रहती हैं। फिल्म बाहुबली में साथ काम कर चुके उनके को स्टार और एक्टर प्रभास के साथ तो उनके अफेयर की खबरें न जाने कब से फैली हुई हैं। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि बाहुबली प्रभास के लिए अनुष्का शेट्टी अपनी शादी तक तोड़ चुके हैं। तो आइए आपको बताते हैं आज के वीडियो में इस पूरे किस्से के बारे में। बात में कोई दो राय नहीं है कि अनुष्का शेट्टी और प्रभास की जोड़ी सबसे चर्चित ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से एक है। फैंस को ये कपल खूब पसंद है। दोनों की कमाल की केमिस्ट्री दर्शकों का दिल जीत लेती है। वैसे तो अनुष्का और प्रभास ने अब तक कई फिल्मों में साथ में काम किया हुआ है, लेकिन फिल्म बाहुबली के दौरान इन दोनों की लव स्टोरी की चर्चा होनी शुरू हुई थी। दोनों के अफेयर की खूब खबरें भी फैली थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अनुष्का शेट्टी साल 2015 में ही शादी के बंधन में बंधने जा रही थीं। वहीं प्रभास नहीं चाहते थे कि अनुष्का शेट्टी शादी करें। प्रभास चाहते थे कि उनकी को स्टार अनुष्का शेट्टी भी पूरी तरह से सिर्फ शूटिंग पर ही फोकस करे, क्योंकि वो खुद भी फिल्म को लेकर बेहद सीरियस थे। यहाँ तक कि उन्होंने फिल्म के लिए न सिर्फ अपनी शादी टाल दी थी बल्कि अनुष्का की शादी भी रुकवा दी थी। उस समय अनुष्का अपनी शादी का मन बना चुकी थी, लेकिन प्रभास के समझाने पर उन्होंने अपना फैसला ही बदल दिया था। अपने अफेयर के बारे में अनुष्का शेट्टी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि अगर वो और प्रभास एक रिश्ते में होते तो ये अब तक सबके सामने आ जाता। अब भले ही अनुष्का और प्रभास ने एक दूसरे को हमेशा से महज अच्छा दोस्त ही बताया हो, लेकिन मीडिया में भी अक्सर प्रभास और अनुष्का के अफेयर की खबरें आती रहती हैं। बता दें कि कुछ समय पहले ही सोशल मीडिया पर अनुष्का का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह कहती दिख रही थी कि अगर उन्हें प्रभास और उनके करियर में से किसी एक को चुनना पड़ेगा तो वे करियर को छोड़ देंगे। खुद अनुष्का ने बताया था कि प्रभास उनके इतने अच्छे दोस्त हैं कि वह उन्हें रात को 3 बजे भी कॉल कर लेती हैं। उन्होंने प्रभास को अपना 3 AM वाला दोस्त बताया था। उनके मुताबिक वो प्रभास को पिछले 15 सालों से जानती हैं और दोनों की सोच भी एक दूसरे से मेल खाती है। आपको बता दें कि अनुष्का और प्रभास ने साल 2009 में आई तेलुगु फिल्म बिल्ला में पहली बार साथ में काम किया था। इसके बाद दोनों 2013 में आई फिल्म मिर्ची में भी साथ नजर आए थे। दोनों की ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग देखते ही बनती है। वैसे इस रियल लाइफ कपल को रियल लाइफ में भी देखना चाहते हैं, इसलिए इनके अफेयर की खबरें खूब सुर्खियों में भी रहती हैं। यूं तो दोनों ही स्टार्स इन खबरों को सिरे से नकार चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ये खबरें रुकने का नाम ही नहीं लेती हैं।